इस वीडियो में हम आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे एंड फॉर क्लास टेंथ केमिस्ट्री नॉट होल ऑफ केमिस्ट्री हाँ और इसके बाद हम फिर कुछ डेफिनेशन प्रॉपर्टीज और प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस नाउ डेफिनेशन की क्लैरिटी बढ़ेगी अभी हम नहीं पढ़ते डेफिनेशन पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जैसे पहले मैं एक कंपाउंड ले लेता हूँ ब्यूटेन राइट right. मैं ब्यूटेन एक कंपाउंड ले रहा हूं और इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या है C6 सॉरी C4H10 फोर एच राइट ना अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है कि हम ये चार कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में रखते हैं और फिर इसमें हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से ऑलवेज अटैच होता है और दिस इज नॉट अ कन्वेंशनल टर्म बट हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कार्बन की वैलेंसी चार है टेट्रा वैलेंसी तो इसमें काउंट करके चार स्टिक्स चार होंगे यानी चार बॉन्ड होंगे ऑल टुगेदर चाहे वो ऐसे भी हो सकते डबल बॉन्ड और फिर सिंगल सिंगल जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन है हो सकते हैं चलो अभी हम इस पर फोकस करते हैं कि जब इसका मैंने बैक काउंटिंग किया तो देखा क्या आया कार्बन कितने चार और चार आठ नौ और दस दैट मींस वी कैन से दैट कि ये मॉलिकुलर फॉर्मूला है तो ये पॉसिबल स्ट्रक्चर है इसके नाउ इसके बाद क्या करते है? कि हम चार कार्बन एटम फिर से चार की जगह तीन कार्बन एटम को स्ट्रेट चेन में रखते हैं राइट और ये जो मिडिल कार्बन एटम है यानी कि थर्ड कार्बन इधर फ्रॉम लेफ्ट और राइट इसके साथ मैंने ऐसे एक और कार्बन की ब्रांचिंग कर दिया राइट ब्रांचिंग करने से क्या हुआ कि अगर मैं हाइड्रोजन अटैच करूं तो वन टू इसके पास ऑल्टुगेदर चार स्लॉट होते हैं यानी चार बॉन्ड होते हैं तो एक तो ऑक्यूपाइड था तो तीन मैंने डाल दिया इसके पास दो बॉन्ड है ऑलरेडी है एक नहीं सॉरी तीन है ना एक दो तीन तो फोर्थ का स्पेस यहाँ पे ठीक है तो मैं साथ साथ हाइड्रोजन लिखता हूं चेक करो यहाँ पे इसके पास तीन क्योंकि थी एक ऑक्यूपाइड है तो कन्वेंशनल टर्म्स नहीं है ये बट समझने के लिए मैं यूज करता हूं अभी इसका हम बैक काउंटिंग करते हैं तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन काउंट करो सो दिस इज थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अब इसका भी इसका भी कॉम्पोजिशन देखो तो चार कार्बन और दस हाइड्रोजन है राइट right? अभी दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है फिर से समझते। ये दोनों कंपाउंड द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला राइट बट डिफरेंट स्ट्रक्चर और सिर्फ स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है और ये डिफरेंट कंपाउंड है तो ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर है ब्यूटेन का ना अगर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे तो अब डेफिनेशन शायद समझ में आएगा आइसोमरिज्म या आइसोमर्स क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिकुलर फॉर्मूला या सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड आइसोमर्स और सिर्फ स्ट्रक्चर्स डिफरेंट नहीं है लेट मी अगेन टेल यू इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं ना इसके बाद एक और आइसोमर्स हम कर सकते हैं वैसे तो हमें और ऑल टूगेदर पांच शायद पांच या छ अभी हम पहले एक और आइसोमर्स कर लेते हैं ओके वन मोर थिंग इसके नेमिंग भी हमें समझना है इस स्ट्रेट चेन वाले कार्बन को हम लोग एन ब्यूटेन कहेंगे एन ब्यूटन और इसे आइसोब्यूटेन मेंचर नहीं करना है क्लास टेंथ में ओके और जैसे मैंने बताया एक और आइसोमर्स हम पहले कर लेते हैं उसके बाद फिर

चार बॉन्ड होने चाहिए राइट डबल और सिंगल इंक्लूड करके तो जो भी स्लॉट्स थे मैंने यहां रख दिया अब मैं हाइड्रोजन को जोड़ दिया हाइड्रोजन एंड एट द सेम टाइम मैं काउंट भी कर रहा हूं सो दिस इज वॉट द मॉलिकुलर फॉर्मूला एंड दिस इज पॉसिबल स्ट्रक्चर राइट द सेकेंड पॉसिबल स्ट्रक्चर जो इसका बन सकता है वो क्या कर सकते हैं कि हम स्ट्रेट चेन में पांच की जगह चार कार्बन आइटम रख देते हैं तो दिस इज वन टू थ्री फोर और ये जो सेकेंड फ्रॉम द लेफ्ट है इसके साथ हम ब्रांच कर देते हैं लेट्स से मैंने एक कार्बन को ब्रांच कर दिया इसके पास टोटल तीन स्लॉट्स है वेल स्लॉट इन सेंस यहाँ पे ये ऑलरेडी तीन बॉन्ड से ऑक्यूपाइड है एक और बॉन्ड बन सकता है इसके पास दो ऑलरेडी है तो एक दो और बन सकता है और इसके पास तीन स्लॉट है तो अगर मैं हाइड्रोजन लिख देता हूं तो फिगर आउट करो यहां पे भी टोटल पांच कार्बन आइटम है ये भी कार्बन है, right? पांच कार्बन आइटम और बारह हाइड्रोजन है यानी कि मोलिकुलर फॉर्मूला सेम बट डिफरेंट स्ट्रक्चर अभी ये यहीं तक लिमिटेड नहीं है इसके आगे भी स्ट्रक्चर बन सकते हैं बट उससे पहले ध्यान क्या देना है कि ये जो कार्बन आइटम जो अटैच हुआ है यानी जिसे मैं ग्रीन से कर दिया इसकी नंबरिंग क्या यानी ऑर्डर की प्लेसमेंट तो जो बच्चा लेफ्ट से राइट काउंट करेगा विल से कि सर ये सेकेंड इन ऑर्डर है और जो राइट टू लेफ्ट करेगा वो कहेगा कि सर ये थर्ड इन ऑर्डर है वेल well, हम कोई भी कर सकते हैं लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट बट जो ऑर्डर छोटा होगा वही कंसिडर करेंगे यानी कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट काउंट करूं तो इसकी जो नंबरिंग है लेफ्ट टू राइट काउंट करने से वन टू थ्री फोर और राइट टू लेफ्ट में वन टू थ्री फोर तो यानी कि ये सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है राइट right? यानी कि जो छोटा होगा वही कंसिडर करेंगे हम इसे कहेंगे कि ये सेकेंड कार्बन एटम से अटैच है अभी मैं जो स्ट्रक्चर करूंगा वो टेक्निकली गलत है जस्ट टू अंडरस्टैंड मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ ना स्टूडेंट में से, कि सर, मैं इस बार ब्रांचिंग इस कार्बन से कर देता यानी कि थर्ड से कर देता हूँ राइट right? ये थर्ड कार्बन एटम के साथ ब्रांचिंग करता हूं राइट एज आई सर इट्स नॉट करेक्ट बट लेस टू अंडरस्टैंड दिस इस थर्ड कार्बन एटम के साथ ब्रांचिंग कर रहे यानी कि इसको कलर कर देते हैं, ओके। अभी इस कार्बन के साथ जब ब्रांचिंग होगा, तो अ स्टूडेंट कैन से कि सर इस बार तो ब्रांचिंग थर्ड के साथ हो रहा है थर्ड इन ऑर्डर, तो ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा वेल, ये गलत है ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है जैसे मैंने बताया जब हम इसकी ऑर्डर काउंट करें तो लेफ्ट से राइट right में ये थर्ड इन ऑर्डर है बट राइट right से लेफ्ट में ये सेकेंड इन ऑर्डर है तो बात तो यही होगी ना ये भी सेकेंड से और ये भी सेकेंड से ब्रांचिंग हो रहा है सो so ये डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है बट स्ट्रक्चर है diff, एक और स्ट्रक्चर बनेगा बट ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर नहीं है दोनों सेम स्ट्रक्चर कहलाएगा कन्वेंशन के अकॉर्डिंग नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर तो थर्ड पॉसिबल स्ट्रक्चर में क्या कर सकता हूँ कि मैं थ्री कार्बन आटम को स्ट्रेट चेन में रख रहा हूं जैसे वन टू थ्री और ये जो थर्ड कार्बन एटम है इसके साथ में ब्रांचिंग कर रहा हूं एक नीचे और एक ऊपर जैसे मैंने कहा ये क्लास टेंथ केमिस्ट्री से कंसर्न है नॉट अल ऑफ केमिस्ट्री तो हम यहाँ पे नोम को नहीं फोकस करेंगे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि हर कार्बन के साथ टोटल चार बॉन्ड होना चाहिए तो ये मैंने टोटल चार बॉन्ड बना दिया इसको बाकी से सेपरेट कर देते हैं ताकि ये मिक्स नहीं हो मैं इसको थोड़ा छोटा भी कर सकता हूँ चेक अभी ये एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है राइट right? तो यहाँ पे अभी तक कितने स्ट्रक्चर बने तीन इनफैक्ट तीन ही स्ट्रक्चर होंगे इसके ना स्टूडेंट के मन में, में ये आ सकता है कि सर ऐसा भी तो कर सकते हैं कि हम ये इसके साथ एक ब्रांचिंग करते कुछ इसके साथ ऊपर इसके साथ नीचे ऐसा नहीं हो सकता है ब्रांचिंग कभी भी एक्सट्रीम कार्बन uh, के साथ नहीं हो सकता यानी कि ब्रांचिंग लास्ट और फर्स्ट से नहीं हो सकता है. मतलब जैसे इससे नहीं हो सकता इससे नहीं हो सकता है. बीच के कोई भी कार्बन आइटम से हो सकता है ब्रांचिंग फर्स्ट और लास्ट से ब्रांचिंग नहीं होता है राइट right. तो ये तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं ये पेंटेन का मैंने नाम नहीं लिखा दिस इज पेंटेन राइट अब इसके नेम भी कर लेते ये एन पेंटेन है जो स्ट्रेट चेन में एन पेंटेन और दिस इज आइसो पेंटेन और ये नियो पेंटेन राइट पेंटेन पी ई एन टी एन ई न्यू पेंटेन एक हाईफ डालते राइट तो ये तीन पॉसिबल स्ट्रक्चर है वैसे क्लास टेंथ में जैसे मैंने बताया दो ही आइसोटोप्स स्ट्रेट चेन रिगार्डिंग पूछ सकते हैं विदाउट फंक्शनल ग्रुप एक तो ब्यूटेन जो मैंने पहले किया और ये पेंटेन अच्छा अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते तो लेट्स इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन जो पहले आए हैं वैसे तो मैंने यहाँ जो लिया है वो दिल्ली 2015 थाउजेंड 2014 बट uh, कई बार और रिपीट हुए हैं इंपॉर्टेंट वन व्हाट इज आइसोमरीजम तो आइसोमर्स नॉट आइसोमर्स क्या लिखेंगे द कंपाउंड्स व्हिच हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम की जगह आइडेंटिकल भी लिख सकते हैं आइडेंटिकल मॉलिकुलर फार्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन इसके दो पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं राइट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एक तो जो स्ट्रेट चेन में चार कार्बन आइटम और दूसरा चार इन स्ट्रेट चेन और फोर्थ को मैंने ब्रांचिंग कर दिया एक्सप्लेन वी कैन नॉट हैव आइसोमर्स ऑफ फर्स्ट थ्री मेंबर्स ऑफ फर्स्ट थ्री मेंबर्स क्या होंगे यानी कि अगर मैं फर्स्ट थ्री मेंबर्स लिखूं तो पहला मेंबर होता है ब्यूटेन सॉरी मीथेन सेकेंड मेंबर होता है इथेन राइट right? और तीसरा प्रोपेन सी थ्री अभी इनके आइसोमर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करते क्योंकि मैंने बताया था आइसोमर्स करने के लिए मिनिमम फोर कार्बन एटम चाहिए राइट right? क्योंकि अगर थ्री कार्बन एटम होगा तो मुझे ब्रांचिंग या फिर इससे या इससे करना पड़ेगा एंड ब्रांचिंग कैन नॉट बी डन फर्स्ट और लास्ट कार्बन एटम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस द नेक्स्ट क्वेश्चन हेयर ऑल दो ये दोनों में और पार्ट में ले लेता हूँ पहले मैं नीचे का पढ़ता हूँ इस इज गिव द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ दॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड ऑफ अ मोलिकुलर फॉर्मूला दिस ना वन कैन बी सरप्राइज सर ये तो हमने नहीं किया है ये तो सेचुएटेड हाइड्रोकार्बन यानी कि अल्केन सीरीज का मेम्बर भी नहीं है फिर इसका आईसोमर्स कैसे होगा तो क्वेश्चन बाकी के हम बात में करेंगे पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं तो तीन कार्बन छह हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से बनने वाला कंपाउंड पॉसिबल कंपाउंड क्या क्या हो सकता है सो so, सबसे पहले मैंने तीन कार्बन आइटम को स्ट्रेट चेन में रखा और एक पॉसिबल ये हो सकता है कि मैं यहाँ एल बना रहा हूं एल कैसे होता है एल डी हाइट सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच राइट ये फंक्शनल ग्रुप है इफ यू सी बुक uh, ये फंक्शनल ग्रुप एल है और ये डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एच तो पॉसिबल स्ट्रक्चर देखते क्या हो सकता है तो एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो मैं बना रहा हूं वो ये है सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच राइट और बाकी जितने भी स्पेस अवेलेबल है चार यहां में से दो स्पेस अवेलेबल था राइट right. अभी इसका बैक काउंटिंग करते हैं. चेक करते कितने कार्बन है तीन है हाइड्रोजन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स है ठीक है और ऑक्सीजन एक यानी कि ये एक मॉलिकुलर फॉर्मूला से ये स्ट्रक्चर का ही कंपाउंड तो बन सकता है ठीक है सो so, इसका नाम होगा इट विल बी नेम्ड वन टू थ्री थ्री कार्बन एटम है सो द वर्ड प्रोप विल कम और ये एल है में से ई e हट जाएगा और एल आ जाएगा तो प्रोपेनल इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। नाउ सेकेंड पॉसिबल स्ट्रक्चर क्या है कि मैंने तीन कार्बन आइटम स्ट्रेट चेन में रखा एंड ये जो बीच का कार्बन है इसमें मैंने डबल बॉन्ड ओ जोड़ दिया ये एक्चुअली कीटोन है सी डबल बॉन्ड ओ Now, अभी यहाँ पे जो स्लॉट्स अवेलेबल है एस बीनो टोटल चार होने बॉन्ड होने चाहिए अभी इसके पास एक ही है तो ये इस तरीके से इसके बॉन्ड्स ऑक्यूपाइड राइट इसके अनसेटिस्फाइड बैलेंसेस नहीं है यानी चार यहाँ पे है ना नेक्स्ट लास्ट कार्बन आइटम ये हाइड्रोजन फिल कर दिया मैंने ना चेक करो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है अगर हम बैक काउंटिंग करते हैं राइट इसकी बैक काउंटिंग करेंगे तो तीन तीन छे, तीन छ हाइड्रोजन तीन कार्बन और एक ऑक्सीजन तो इन दोनों केस में मॉलिकुलर फॉर्मूला ये है राइट बट स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है पहले नाम लिख लेते हैं इसमें भी प्रोपेन वर्ड आएगा क्योंकि कितने कार्बन है तीन कार्बन आटम है और ये प्रोपेन का ई हट जाएगा ठीक है ई हट जाएगा और वन आ जाएगा वैसे पढ़ते समय इसको प्रोपेन वन नहीं पढ़ेंगे प्रोपेन नॉन पढ़ेंगे राइट right? ये नॉन को एक साथ पढ़ेंगे राइट right? प्रोपे नॉन ये प्रोपे नॉन है ये बट क्योंकि इसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइड पहले डिटेल में बस इतना ही करते हैं कि इसको यहां तक समझ लेते हैं कि ये दो पॉसिबल स्ट्रक्चर बन सकते हैं इस कंपाउंड का तो इस वजह से ये आइसोमर्स होगा राइट right? तो क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से आते हैं ये दोनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं जैसे मैं पहले नीचे वाले को वापस पढ़ देता हूँ एग्जाम में ऐसे पूछते गिव दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अच्छा ये अभी मैंने बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी कर लेंगे पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ द कंपाउंड मॉलिकुलर फॉर्मूला सेकेंड वे से पूछा जा सकता है एल डी हाइट एज वेल एज यस जैसे मैंने बताया फर्स्ट मैंने क्या लिया था एल डी हाइट ठीक है एंड किटोन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाई द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला सी थ्री एच सिक्स ओ राइट दस एंड द नेम ऑफ देम स्टेट द रिलेशन बिटवीन दूल ठीक है तो पहले तो मैंने स्ट्रक्चर बना दिया ठीक है एजुके uh, मैंने दोनों स्ट्रक्चर बना दिए नाम भी लिख दिया और इसने कहा रिलेशन क्या है तो क्लियरली ये आइसोमर्स है वाई आइसोमर्स इसका रीजन क्या देंगे बिकॉज दे हैव द सेम दीज टू कंपाउंड हैव द सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर इज

कुछ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा गया है तो भी हम बॉन्ड स्ट्रक्चर बनाएंगे बॉन्ड पूछा तो ऑब्वियसली बॉन्ड बनाएंगे तो लेट्स सी पहले मैंने ये बॉन्ड स्ट्रक्चर बना लिया जो कि इजी था बनाना इन डॉट के कंपेयर में और से इसका मैंने कॉपी क्रिएट कर लिया और मैं नीचे इसको पेस्ट कर देता हूं अब मैं ऊपर वाले का इस बॉन्ड स्ट्रक्चर का हेल्प से डॉट बनाऊंगा क्या याद रखना है कि एक बॉन्ड एक बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता है ठीक है तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड था उसको मैंने हटाया और क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट ऐसे डाल दिया पेर. तो जहां जहां हाइड्रोजन है जैसे यहां भी हाइड्रोजन है तो मैंने इसको क्रॉस डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया अच्छा कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे यानी ये आ गया क्रॉस क्रॉस एक बॉन्ड एक बॉन्ड के लिए अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कुड बी क्रॉस डॉट क्रॉस क्रॉस और डॉट डॉट वैसे डिपेंडिंग uh, uh, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि हमें कब क्रॉस किसके लिए यूज करना है लिए डॉट और यहाँ पे भी मैंने क्रॉस डॉट यूज कर क्रॉस क्रॉस यूज कर लिया अभी ऑक्सीजन के साथ देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है राइट एज आई कि सिंग एक सिंगल बॉन्ड रिप्रेजेंट दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो इस चार इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्रॉस डॉट डॉट क्रॉस अभी चेक करो कि इस ऑक्सीजन ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर किता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है तो कॉन्फिग्रेशन टू सिक्स छह इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और छह में से ये दो डॉट डाल ये दो इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन का है तो इसके पास चार इलेक्ट्रॉन और है ना इनार्ड गैस कॉन्फिग्रेशन के लिए हाइड्रोजन को सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में चाहिए होता है क्योंकि ये आ, इस कंप्लीटली फिल्ड बाय अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल तो ये हाइड्रोजन को अच्छा कुछ और हाइड्रोजन छूट गया यहाँ पे इसको पहले हम इलेक्ट्रॉन्स दे करके विदा कर देते हैं तो ये चला गया अभी कार्बन क्या बताया था कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है टू फोर यानी इसको फोर इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट में तो फोर के लिए ठीक टू, 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 है टू, टोटल एट हो गया ये स्टेबल हो गया दूसरा कार्बन को देखते दो दो चार दो दो आठ नेक्स्ट इस कार्बन को देखते हैं लास्ट में दो दो चार और चार आठ ऑक्सीजन

बनाई चुके हैं इस बॉन्ड स्ट्रक्चर का कॉपी क्रिएट करके इसका डॉट स्ट्रक्चर बना लेते हैं सो यू टेकिंग द हेल्प ऑफ दिस बॉन्ड स्ट्रक्चर वंस अगेन आई बी रिप्रेजेंटिंग क्रॉस एंड डॉट ठीक है तो यहाँ पे क्रॉस डॉट एज सिंगल बॉन्ड के लिए क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट जितने हाइड्रोजन है इधर और भी तीन है तीन बॉन्ड के लिए क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट के बीच में करते अपने कर सकते हैं ऐसा नहीं है कि क्रॉस डॉट और यहाँ पे डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए मैंने बताया था एक बॉन्ड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ दो है तो टू पेयर होगा so, पहले मैं इसे टू पेयर बना दिया यानी कि क्रॉस डॉट क्रॉस डॉट ऑक्सीजन इसकी एटॉमिक नंबर एट है कॉन्फ़िगरेशन टू सिक्स यानी छह इलेक्ट्रॉन थे अभी मैंने दो ही रिप्रेजेंट किया है तो बाकी के चार वन टू थ्री फोर ऐसे ना चेक करते पहले हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो ये सारे हाइड्रोजन सेटिस्फाई हो गए एंड स्टेबल हो गए कार्बन आठ चाहिए टू तो इस आर्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं सर्कल के अंदर दो चार छ और आठ दो दो और चार छ दो आठ फॉर दिस ऑक्सीजन फोर प्लस टू सिक्स प्लस टू एट सो दिस इज हाउ वी विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो दिस कम डाउन बैक टू द क्वेश्चन Yeah, this is what they will ask you electron dot structure. Give electron dot structure of the possible isomers of the compound whose molecular formula is this. This is an important one, right?